well, this was the day two of Bombay Times Fashion Week, and I absolutely loved it. Today I worked as a showstopper for Mrs. Pallavi Madisha Yadav for her Polka Dots Couture show. And I think I'm startled with the collection and with the color palette that she has chosen. I'm absolutely grateful to Times Talent, and I don't know, I should remove that. No problem. Again? Should I do that again? All right. So the concept of the whole outfit says Sia, which means the modern Indian bride. Usually we girls used to wear reds, more of brighter colors in the wedding season. But I think she has come up with some excellent ideas which she has put together in her outfit, and I'm absolutely feeling gorgeous in her outfit. I just told her that I'm taking this back. I think I बयान नहीं कर पाऊंगी कि मैं कितनी एक्साइटेड हूं, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट करना एट मिस सुप्रा नेशनल. सो आई एम फ्लाइंग ऑन 19th नवंबर फॉर माय जर्नी, एंड द फिनाले इज गोइंग टू हैपन ऑन 7th ऑफ दिसंबर इन पोलैंड. आई रियली वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू गिव मी ऑल द लव ब्लेसिंग्स. दिस टाइम इट्स फॉर इंडिया. एंड रैंप वॉक पे हमने आपको कई बार देखा है, लेकिन जब आप ब्यूटीफुल डॉल के साथ में जब रैंप वॉक करते हैं, yes. तो कैसा होता है? ऑफ कोर्स, जब आप रैंप पे वॉक कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, बिकॉज ये हमेशा से मेरा सपना था टू बी दैट सेंटर ऑफ अटेंशन, टू बी इन टू दैट लाइमलाइट. आई थिंक अब मेरा ये सपना पूरा हो रहा है, तो मैं बता नहीं पाऊँगी कि मुझे कितनी खुशी हो रही है. एंड ऑफकोर्स जो मेरे साथ वो इतनी क्यूट सी डॉल थी, वो एक्चुअली शी इज़ सो स्टनिंग. आई थिंक वो मुझसे ज़्यादा, सबका ध्यान उसी पे था, एंड शी डिड अ ग्रेट जॉब. आई थिंक वो भी बड़े होकर शायद मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड में जाए. Thank you. Thank you.